और अभी आपको बताएं कि माहरीन ने खबरदार किया है कि भारत पुलवामा जैसा ड्रामा दोबारा भेजा जा सकता है ताकि मकबूजा कश्मीर के मौकफ पर पाकिस्तानी कोशिशों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पुलवामा वाकये को एक साल मुकम्मल होने पर कश्मीर मीडिया सर्विस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इंकशाफ किया गया कि भारत कश्मीरियों को जदोजहद आजादी को दबाने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक और जाली फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। माहरीन के मुताबिक पुलवामा का ड्रामा दुनिया को इसलिए दिखाया गया ताकि ये साबित किया जा सके कि कश्मीर में जदोजहद आजादी नहीं बल्कि दहशतगर्दी हो रही है। माहरीन का कहना है कि पुलवामा हमले का ड्रामा न सिर्फ मोदी सरकार की इंतखाबी कामयाबी का बाइस बना बल्कि इसके बाद मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत का भी खात्मा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पुलवामा का ड्रामा इसलिए भी रचाया ताकि आलमी बरादरी की हमदर्दी और कश्मीर में मुजालिम को छुपाया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय खुफिया एजेंसियां जनूबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल पैदा करने के लिए पार्लियामेंट उड़ी और पुलवामा जैसे हमलों में मुलविस थी। रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि पुलवामा वाकये के बाद भारतीय दरअंदाजी पायलट की गिरफ्तारी और फिर वापसी ने पाकिस्तान को इखलाकी फतह दिलाई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने कश्मीरियों की जमीन और जायदादों पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार किया गया जबकि इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए निशानदही का काम भी मुकम्मल कर लिया। भारत अप्रैल या मई में मकबूजा वादी में आलमी बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करवाएगा। कॉन्फ्रेंस में बाजाब्ता तौर पर कश्मीरियों की जमीनें सरमायाकारों को दी जाएंगी।